आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फूड इंडस्ट्री मशीन्स जिनका काम आपके मन को मोह लेगा। इन मशीन्स को देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं कई कमाल की मशीनें। नंबर वन, पानीपुरी मेकिंग मशीन्स। देखिए, पानीपुरी चार मशीनों के प्रोसेस से बनाई जाती है। सबसे पहली मशीन होती है आटा गूंथने की मशीन, जिसमें एक कंटेनर लगा होता है जिसमें सबसे पहले आटे को डाला जाता है और धीमे धीमे पानी को डाला जाता है। और जब ये मशीन आटा को गूंथ देती है तो उस आटे को दूसरी मशीन में डाला जाता है, जो उस आटे की सीट बनाती है। इस मशीन के द्वारा बनाई गई सीट को तीसरी मशीन में डाला जाता है। ये होती है सबसे इम्पोर्टेंट मशीन। इस मशीन का काम होता है सीट को अपने बेलन से पहले तो पतला करना, फिर उस पतली सीट से पानीपुरी की शेप निकालना। अब ये पानीपुरी कच्चे आटे से बनकर तैयार है। अब इन्हें ले जाया जाता है चौथी मशीन के पास, जो इन्हें फ्राई करके गोल मटोल पानीपुरी बनाकर तैयार कर देती है। ये मशीन एक बजट में मार्केट में अवेलेबल है। आपका जैसा भी बिजनेस हो, आप उस हिसाब से इन्हें खरीद सकते हो। नंबर टू, खोया मेकिंग मशीन। ये मशीन सिर्फ खोया नहीं बनाती, इस मशीन से आप दूध गर्म कर पाओगे, पानी गर्म कर पाओगे, रबड़ी खोया सब बना पाओगे। ये मशीन अलग अलग साइज में आती है। आप छोटे कारखाने के लिए 120 लीटर तक की मशीन को ले सकते हो। ये मशीन पेट्रोल, डीजल, बिजली, LPG, गैस से चलती है। इनमें से आप किसी से भी इस मशीन को चला पाओगे। इस मशीन से खोया बनाने में आपको जरा सी भी मेहनत नहीं लगती। सिर्फ आपको इसके टप में दूध को डाल देना है और फिर मशीन को ऑन कर देना है। उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिक खोया बनाकर तैयार कर देगी। इस 120 लीटर की मशीन का प्राइस 80,000 तक का होता है। नंबर थ्री, बिस्किट मेकिंग मशीन। चलिए बिस्किट कैसे बनते हैं पहले वो देखते हैं। सबसे पहले आटे में कई चीजों को मिलाकर इस मशीन में डाला जाता है, जिससे मशीन रोलर से पतली सीट में बिछाती जाती है, जिससे आगे चल रहा है एक और रोलर इस सीट से बिस्किट की शेप का आटा निकालकर उस शेप को आगे भेज देता है, जिससे मशीन गर्म करके खाने लायक बनाकर पैकेटों में पैक कर देती है। अब ये बिस्किट्स बाजार में बिकने के लिए एकदम से तैयार हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।